चंबल में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। इस पूर्व विधायक ने थाम लिया कांग्रेस का हाथ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के नेताओं का पार्टी छोड़ने का क्रम लगातार जारी है। अब चंबल रीजन में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यहां के मुरैना जिले के बीजेपी के एक पूर्व विधायक ने पार्टी छोड़ दी और भोपाल जाकर कमलनाथ के सामने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली। ये पूर्व विधायक हैं कमलेश सुमन। कमलेश सुमन की अब कमलनाथ के साथ तस्वीर भी वायरल हो रही है। आपको बता दें कि अंबाह सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित सीट है और मुरैना जिले की प्रमुख सीटों में से एक है। यहां कई अन्य नेता भी टिकट के दावेदार थे, लेकिन बाजी हाथ लगी देवेंद्र रामनारायण शंखवार के। अब कमलेश सुमन द्वारा बीजेपी को छोड़ देने से चुनाव के ऐन वक्त पर भाजपा को बड़ा झटका लगा है और चुनाव में पूर्व विधायक कमलेश सुमन बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ग्वालियर चंबल रीजन में बीजेपी के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। यहां शुरू से ही कांग्रेस पार्टी को बढ़त बनाते हुए अलग अलग सर्वे में दिखाया गया था। बीजेपी को यहां पर आंतरिक गुटबाजी से भी निपटना पड़ रहा है, लेकिन बीते दिनों टाइम्स नाउ और इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल में बीजेपी की सीटें बढ़ने की संभावनाएं जताई गई हैं, जिससे बीजेपी को कुछ राहत इस क्षेत्र में मिलने के संकेत सामने आए हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल के मुताबिक ग्वालियर चंबल की 34 सीटों में कांग्रेस को 19 सीटें तो वहीं बीजेपी को कुल 15 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना